हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एक प्राइवेट सेक्टर से जुड़े बहुत ही दिग्गज बैंक, जिसका नाम है YesBank। YesBank से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एंड वो है फंड रेजिंग से रिलेटेड। एंड ये फंड रेजिंग की बात कहाँ पे होती है, तो बोर्ड मीटिंग में होती है। एंड इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड मीटिंग के ऊपर पूरे मार्केट का नज़र बना हुआ था। सो इससे पहले तो मिस्टर रावनीत गिल ने ये कहा था कि बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है वो 2019 ख़त्म होने से पहले हम लोग बोर्ड मीटिंग कर लेंगे एंड फंड रेजिंग का साइज़ कितना रहेगा वो भी हम लोग आप लोगों को बता देंगे। बट आप सभी लोगों ने देखा 2019 पूरा ख़त्म हुआ एंड उसके बाद कोई भी हम लोगों को बोर्ड मीटिंग की जो न्यूज़ थी आज तक हम लोगों को देखने को नहीं मिली थी। बट फाइनली जैसे मैंने कहा कि कभी ना कभी ये न्यूज़ सामने आनी थी एंड आज मैं आपके सामने वो न्यूज़ दिखाने वाला हूँ कि बोर्ड मीटिंग की जो डेट है वो सामने आ चुकी है। एंड ये एक्चुअली देखा जाए तो आज की न्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअली कल की न्यूज़ है। बहुत ही लेट नाइट YesBank ने जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की जो डेट है वो उन्होंने BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइल की है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वो देखना है कि कैसे आप लोगों ने वो मीटिंग का जो लेटर है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही बताना चाहूँगा, आपको सिर्फ ये टाइप करना है YesBank BSE। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है एंड YesBank BSE जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने YesBank के चार्ट पैटर्न तो ओपन होगा। बट आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना एंड सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट बताया हुआ है www.bseindia.com। सो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं BSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं एंड YesBank का शेयर ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो नीचे हम लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है एंड बहुत ही अच्छी खासी साइट अभी BSE ने मेंटेन की है। एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो 7 जनवरी 2020। सो इसी से रिलेटेड आप देख सकते हो बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर अ, आप देख सकते हो ये बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड ये चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो जैसे इंटर किया तो आप वापस यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो टाइमिंग और डेट भी बताया। एक्सचेंज रिसीव ये उन्होंने 7 जनवरी को मतलब कल के दिन को ये इंटीमेशन यहाँ पे रिसीव किया एंड आप ये टाइमिंग भी देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे के आसपास ये उन्होंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो एक लाल कलर का निशान है जिसको हम लोग PDF बोलते हैं, उसी के ऊपर क्लिक कर लेना तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो ये लेटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे भी अगर आप जूम करोगे तो आप लोगों को डेट आसानी से पता चल जाएगी जो कि कल के दिन की डेट है। तो चलिए अभी यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्या न्यूज़ बताई है, क्या और कोई उन्होंने डेट बताई है, पोस्टपोन बताई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में ही उन्होंने यही बताया कि इंटीमेशन ऑफ द डेट ऑफ अ बोर्ड मीटिंग। सो ये बोर्ड मीटिंग कम होने वाली है उसी का उन्होंने इंटीमेशन बताया एंड अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये बोर्ड मीटिंग जल्दी होने वाली फ्राइडे के दिन ही, मतलब आज वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे दो दिन के बाद हम लोगों को, मतलब डेट की अगर हम लोग बात करें तो मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो आप वापस देख सकते हैं 10th of January 2020 इसी के दिन हम लोगों को YesBank की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग देखने को मिलने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है। हर एक बोर्ड मीटिंग का एजेंडा होता है, क्यों वो सब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक साथ आएंगे एंड वहाँ पे कुछ कौन से टॉपिक के ऊपर उनकी चर्चा होगी, कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले भी मिस्टर रावनीत गिल ने कहा था कि जो पहली वाली बोर्ड मीटिंग हुई थी 29th of November जहाँ पे उन्होंने कहा था कि फंड रेजिंग से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टर आने वाले, उनकी लिस्ट उन्होंने प्रेजेंट की थी। आप सभी लोगों को पता है टोटल 8 इन्वेस्टर थे। अगर वो आप लोगों को लेटर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद आना चाहिए। आप देख सकते हैं डेट यहाँ पे बताई थी 29th of November 2019। सो इसमें ये सारे इन्वेस्टर के नाम सामने आए थे। टोटल 8 इन्वेस्टर थे जिसमें से 3 हम लोग देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे एंड 5 फैमिली ऑफिसेज थे। तो उसके ऊपर चर्चा होना शुरू हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग थी वो भी आप सभी लोगों को पता है जो कि 10th December को हुई थी एंड उसी का लेटर मैंने डायरेक्टली आपके सामने ओपन किया है तो उसका भी डेट आप यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो उस मीटिंग का जो एजेंडा था वो यही था कि जो साइटेक से रिलेटेड 500 मिलियन का जो अमाउंट आने वाला है वो कन्फर्मेशन था एंड उन्होंने कहा था $1.2 बिलियन जो इरिन सिंह से आने वाले उससे रिलेटेड वो कन्फर्मेशन बताने वाले थे। बट ऐसा कुछ भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला एंड वो डेट आखिर में क्या हो गई, पोस्टपोन हो गई। मतलब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड मीटिंग का एजेंडा जो कि हम लोगों को फ्राइडे के दिन 10th of January 2020 को देखने वाले हैं, उसका एजेंडा यही है कि फंड रेजिंग का साइज कितने होने वाला है। अभी तक हम लोगों को साइज नहीं पता है क्योंकि इससे पहले जो बातें आई थी तो उन्होंने कहा था $3 बिलियन तक
उनके इन्वेस्टर ला सकते हैं। उसके बाद $2 बिलियन तक बात आ गई थी एंड जो इन्वेस्टर आए थे उनकी टोटल भी $2 बिलियन की ही थी, बट बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने डाउट भी क्रिएट किया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि फंड रेजिंग इतना ही मैटर नहीं है, उसके बाद उनको ये फर्दर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा किससे, RBI से, क्योंकि RBI के कुछ नियम होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को वो 1% से ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं दे सकते। सो डेफिनेटली उनमें जो मेजोरिटी ऑफ अपने निवेशक थे, अगर हम लोग कह सकते इरिन सिंह 60% वही लाने वाले थे, एंड अगर उनको अलाउ कर देती थी येस बैंक तो शायद से RBI को वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली ये अभी भी चीज़ें डिस्कशन में ही चल रही है, एंड बीच में येस बैंक ने भी कहा था कि ये 31 जनवरी तक इरिन सिंह से रिलेटेड उनका जो डिस्कशन है वो ऑन गोइंग ही है, अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। सो ये सारी चीज़ों का जो हम लोगों को कन्फ्यूजन है वो शायद से 10 जनवरी 2020 जो कि फ्राइडे के दिन बोर्ड मीटिंग होने जा रही है वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जहाँ पे फंड रेजिंग का साइज कितना है, एक्चुअल में कितना पैसा यहाँ पे जुटाने जा रही है येस बैंक, इसके ऊपर हम लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। सो यही चीज़ मैंने बताने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं डायरेक्टली भी बता सकता था बट उसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। हमेशा मैंने आपको कहा है कि स्टॉक मार्केट एक नॉलेजेबल फील्ड है, अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट मारने जाओगे तो आपको भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैं वापस इस टॉपिक के ऊपर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे 10 जनवरी को हम लोगों को इनकी मीटिंग देखने को मिल रही है, एंड उसी के आगे उन्होंने लिखा है कि इसका एजेंडा क्या है, टू डिस्कस एंड कंसिडर रेजिंग ऑफ अ फंड बाय द इशू ऑफ एन इक्विटी शेयर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वारंट्स, एनी अदर इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज थ्रू द परमिसिबल मोड्स सब्जेक्ट टू द नेसेसरी शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स एप्लीकेबल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा कि येस बैंक तो किसको भी अलाउ कर देगा बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, मतलब इसके आगे भी शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए जो कि AGM EGM में होगा, एंड उसी के साथ साथ रेगुलेटरी का अप्रूवल, रेगुलेटरी मतलब सेबी का भी अप्रूवल चाहिए या फिर हम लोग कह सकते हैं RBI का अप्रूवल, बैंक का रेगुलेटरी मतलब RBI की भी अप्रूवल हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि ये डिस्कशन कंसिडरेशन क्या होने वाला है, रेजिंग ऑफ अ फंड से रिलेटेड, रेजिंग ऑफ अ फंड बाय द इशू ऑफ एन इक्विटी, अलग अलग मोड्स उन्होंने आगे यहाँ पे बताए हुए। सो ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि फाइनली ये बोर्ड मीटिंग की जो डेट है वो सामने आ चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्राइडे 10 जनवरी 2020। तो चलिए दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग नॉर्मल गूगल के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत ही करेंगे येस बैंक के आज के परफॉर्मेंस के ऊपर। और फिलहाल ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप देख सकते हो लगभग 1:15 बजे के आसपास, आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं नोटेड हो चुका है, 8 जैन आज ही के दिन है, 1:15 मतलब 1:15 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ। प्राइसिंग आप देख सकते हैं 45.60 पे चल रहा है, 1.22% फिलहाल तो ये अप है, क्योंकि फंड रेजिंग से रिलेटेड कुछ हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है कि ये जल्द से जल्द हो रही है, क्योंकि जितना डिले होगा वो येस बैंक के लिए ही नुकसान वाली बात थी। सो फिलहाल ये तो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं, ये चीज़ें हमेशा हम लोगों को कंसिडर करनी होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी की स्थिति यहाँ पे क्या चल रही है, जैसे मैंने कहा कि 1:15 बजे का टाइमिंग है, तो प्रीवियसली क्लोज हुआ था 45.05 पे, ओपन हुआ था 46.25 पे, हाई इसने बनाया था 47.20 का एंड लो इसने फिलहाल बनाया 45.30 का। अगर 52 एक लो एंड हाई की अगर बात देखें तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो इसका हाई था 286 का था एंड लो इसने बनाया था 29 का, जो कि 1 अक्टूबर 2019 का। अगर उसी के साथ साथ ये अगर हम लोग टेबल भी चेकआउट करें तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सेलिंग क्वांटिटी है वो यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा है एंड बाइंग क्वांटिटी अगर हम लोग कंपेयर करें तो भी फिलहाल कम है। अगर आज के दिन की अभी तक की स्थिति अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते तो जैसे मैंने टाइम बताया वो टाइम को आप लोगों ने ज़रूर नोट करना चाहिए, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये सारे आंकड़े बदल जाते हैं। सो अभी तक यहाँ पे फिलहाल 9 करोड़ तक या फिर उससे ज़्यादा की क्वांटिटीज ट्रेड हो चुकी है, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरीज उठाई गई है एंड ये परसेंटेज वाइज बेस हम लोग बात करें तो 24% तक लोगों ने ये शेयर को खरीद के अभी तक अपने पोर्टफोलियो में क्या किया रख दिया है। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम लोग हमेशा चेकआउट कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ को भी कंसिडर कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, तो प्रोडा क्रेडिट इसी वेबसाइट का रहेगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो न्यूज़ उन्होंने लिखी है कि येस बैंक के शेयर में लगभग 5% की जंप दिखाई गई है एज एन अ बोर्ड टू द कंसिडर अ फंड रेजिंग ऑन अ फ्राइडे। तो ये कंप्लीटली पैराग्राफ वही है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के दिखाया एंड यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 8 जैन जो कि आज के दिन की बताई हुई है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो उन्होंने यही चीज़ रिपीटली की है कि 5% का जंप है वेनसडे को, क्योंकि बोर्ड ने बता दिया कि फ्राइडे को वो मिलने वाले फंड रेजिंग के अप्रूवल से रिलेटेड। उसी के साथ साथ हम लोग और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ भी यहाँ पे कुछ बताई है, जैसे कि केयर रेटिंग एजेंसी उन्होंने क्या किया था, 21,000 के
21,000 करोड़ के जो वर्थ के जो बॉन्ड्स थे येस बैंक के, उनको उन्होंने डाउनग्रेड किया था एंड जो आउटलुक था वो भी उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव बताया था। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि उसका पीछे की वजह क्या थी, बिकॉज ऑफ एन कंसिडरिंग द ओवरऑल क्वांटम ऑफ एन कैपिटल टू बी रेज। तो यही बताना चाहते कि अभी तक येस बैंक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल है। मतलब इस बोर्ड मीटिंग से भी हम लोग ये नहीं कह सकते फाइनली कि कौन यहाँ पे पार्टी आने वाली, क्योंकि इस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा, दोस्तों ध्यान से सुनना, इस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा ये है कि फंड की साइज कितनी होनी चाहिए, 500 मिलियन, 1 बिलियन डॉलर या फिर 2 बिलियन डॉलर, ये कंफर्मेशन वो सामने आने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ कि कौन से मोड से वो फंड रेज करने वाले, इसका भी वो जिक्र इस बोर्ड मीटिंग्स पे बोलने वाले। सो ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी आने वाली है एंड कितना पैसा यहाँ पे डालने वाली है। सो डेफिनेटली ये बोर्ड मीटिंग इंटरेस्टिंग तो रहने वाली है, बट इतना इंटरेस्टिंग नहीं जितना कि इससे पहले के जो दो बोर्ड मीटिंग हम लोगों को देखने को मिले हैं। सो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, यही है कि इकोनॉमिक टाइम्स के बताई हुई, जैसे कि $2 बिलियन तक की फंड रेजिंग से रिलेटेड उनका जो प्लान था, ऐसे ही प्लान ये कंटिन्यू रहेगा या फिर इसको कम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को फ्राइडे के दिन देखने को मिलने वाली है। सो डेफिनेटली येस बैंक के शेयर में अगर गिरावट आती है तो वो एक ही चीज़ से गिरावट आएगी, अगर $2 बिलियन से कम का प्लान वहाँ पे अप्रूव हो जाता है। सो डेफिनेटली वो एक शेयर होल्डर्स के लिए निराशा वाली बात रहेगी, क्योंकि पहले तो $3 बिलियन की बात हो रही थी, बाद में $2 बिलियन की बात हो रही थी, एंड अगर उससे कम अगर फंड रेजिंग की साइज अगर डिसाइड होती है, सो डेफिनेटली येस बैंक के शेयर में हम लोगों को और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल ये सारी चीज़ें तो फ्राइडे के ऊपर है, उनका बोर्ड कितना कंसिडर करता है, कितना फंड रेजिंग की साइज रहती है, ये तो फ्यूचर में ही हम लोग देख पाएंगे। सो फिलहाल वीडियो को यही पे रुकना चाहूंगा, आई होप आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।